अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने लगी हूँ ट्राइफल। मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो उसके लिए तकरीबन मैंने 1 लीटर जो है वो दूध लिया है, आधा कप चीनी का है, और इसी दूध में से मैंने यहाँ पर 1 कप दूध का निकाल लिया, 1 कस्टर्ड का जो है वो पैकेट लिया है। जेली के लिए दूध पानी मैंने ऊपर रख दिया हुआ है। पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड, इसके साथ ही जेली को तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए इसे इस तरह से इसमें मिक्स करेंगे। दूध को चूल्हे पे चढ़ा के इसमें हम डाल देंगे चीनी। दूध को उबाल आने देंगे। उबाल आने पे जो है इसके अंदर हम जो कस्टर्ड हमने मिक्स किया था वो डालेंगे, साथ ही जेली के लिए मैंने पानी रखा था, पानी में उबाल आ रहा है, इसमें हम डाल देंगे जेली। हमारे दूध में उबाल आने तक जेली हमारी तैयार हो जाएगी। अलग से बर्तन में कस्टर्ड जो हमने इस तरह से मिक्स किया था उसको बराबर चम्मच हिला के अच्छी तरह मिक्स करके दूध में उबाल आने पर इसमें डालेंगे और बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे इसमें, ताकि इसके अंदर जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें जी, कस्टर्ड हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, साथ ही हमारी जेली भी बन गई है। इसको हम डालेंगे बर्तन में और इसको नॉर्मल आपको अगर रखेंगे रूम टेम्परेचर में भी तो जम जाएगी, अगर फ्रिज में रखेंगे तो कस्टर्ड के ठंडा होने तक हमारी जेली भी ठंडी हो जाएगी। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया और जेली भी जो है वो भी तैयार हो गई हुई है, जैसे मैंने पीसेस भी काट लिया है, इसके साथ ही बाकी के मैंने फ्रूट्स और केक लिए हैं। अब हम इसे सेट करेंगे। पहले इसमें हम नीचे केक रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। इसके ऊपर थोड़े थोड़े से फ्रूट डालेंगे, एप्पल भी डालें। केले मैंने काटे हैं, साथ में अंगूर और अनार है मेरे पास। अनार का कलर ज़रा अच्छा नहीं आया। इसके साथ ही जो हमने जेली के पीसेस काट के रखे हैं थोड़ी सी वो डाल देंगे। उसके ऊपर एक तय जो है दोबारा से मैंने कस्टर्ड की लगा के तो हम फिर से फ्रूट्स डाल देंगे। हमारा जो है ट्राइफल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।